Assalamu alaikum, my dear students and my viewers. I welcome you to my channel, Learn English with Faisal Hamid. If you have not subscribed this channel yet, please do it now, but after watching this video. And today's video is about the voice, and in the voice, we are going to talk about present perfect tense, active voice and passive voice. Let's see what we have in present perfect tense. तो हमारे पास जो पहला जुमला है वो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है. हमने सेंटेंसेस को मिक्स कर दिया है ताकि रैंडम आइडियाज आपके जहन में आए, रैंडम सेंटेंसेस आपके जहन में आए. अब आप इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ें तो आप देखें, हैव यू टेस्टेड माय आईज, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर हैव है. और अगर आप मेन वर्ब देखें तो आपका मेन वर्ब टेस्टेड है. तो इससे आपको पता चला कि आपके पास हैव या हैज आने लगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और आपका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है. तो याद रखिए, जब भी आपके पास हैव, हैज या हैड भी आ जाए, पास्ट परफेक्ट भी आ जाए, तो आपने क्या करना है, आपने बिन का इजाफा करना है. यहां पर अब आप देखें, आपका जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में वो हमारा माय आईज है. My eyes plural है, plural noun है, और plural noun के साथ helping verb जो होता है वो have लगता है. इसलिए हम क्या करेंगे कि हम helping verb शुरू में लेके जाएंगे, have ले आएंगे, और उसके बाद हमने जो object है उसको subject की position पे लाना है. Have my eyes हो जाएगा. अब हमने helping verb का दूसरा हिस्सा जो been है वो subject के बाद लगाना है. Have my eyes been, मेन वर्ब आ जाएगा टेस्टेड, बाय यू हमारा सब्जेक्ट है, उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो हम क्या कर देंगे, यू रखेंगे. क्योंकि याद रखिए कि यू जो है वो यू ही रहता है, चाहे वो सब्जेक्टिव केस हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस हो, क्योंकि दोनों का केस, दोनों केसेस हैं वो सेम होते हैं. क्वेश्चन मार्क आपने लगाना है, ठीक हो गया. अब दूसरा सेंटेंस देखें, दे हैव नॉट कॉट द थीफ. तो अब हमने देखा हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव है, उसके साथ हमने नॉट लगाया है, और कॉट हमारा मेन वर्ब हो गया. तो इसका मतलब है कि हमने हेल्पिंग वर्ब में बिन का इजाफा करना है. बिन का इजाफा होगा. अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो थीफ है, ये हमारा सिंगुलर नाउन है. सिंगुलर नाउन को, ऑब्जेक्ट को, जैसा कि हम सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, तो जब सब्जेक्ट की पोजिशन पे ये आएगा तो इसके मुताबिक हमारा नया हेल्पिंग वर्ब आएगा. तो नया हेल्पिंग वर्ब ऑब्वियसली थीव जो है वो सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट जो बनेगा हमारा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो द थीव जो है वो सिंगुलर नाउन है. तो इसके लिए अब हमें हैव की जरूरत नहीं है, बल्कि अब हमें हैज की जरूरत है. तो हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लाए, द थीव हमारा सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, उसके साथ हम नॉट का इजाफा करेंगे, फिर हम बिन का इजाफा करेंगे, मेन वर्ब हमारा कॉट ही रहेगा, थर्ड फॉर्म ही रहेगी, उसके बाद बाय आ जाएगा, और दे जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में जब चेंज करेंगे तो वो देम हो जाएगा. दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है. तीसरा सेंटेंस देखते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है. यू हैव टेकन द टेस्ट. हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैव, मेन वर्ब हमारे पास टेकन. इसका मतलब है हमने जब पैसिव इसका बनाना है तो हमने इसमें बिन का इजाफा करना है. ऑब्जेक्ट को देखिए, ऑब्जेक्ट है हमारा द टेस्ट, अगेन सिंगुलर नाउन है, तो हम टेस्ट को शुरू में लेकर आते हैं. द टेस्ट हो जाएगा, द टेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप देखें इसके साथ हमने हैज का इजाफा करना है. बिन आ जाएगा पैसिव वॉइस की वजह से, और उसके बाद हम मेन वर्ब लाएंगे टेकन, थर्ड फॉर्म है, उसके बाद बाय आ जाएगा, और यू जो है वो यू ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस यू के जो हैं वो सेम होते हैं, एक ही है. यू सब्जेक्टिव केस भी है, यू ऑब्जेक्टिव केस भी है. तो आगे हम अब हम चौथा सेंटेंस देखते हैं, जिसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है, हैव वी वॉश्ड आवर हाउस है, तो हैव वी नॉट वॉश्ड आवर हाउस, क्योंकि हम एक सेंटेंस पहले कर चुके हैं. तो हैव वी नॉट वॉश्ड आवर हाउस को हम जब चेंज करेंगे
तो हमने देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आर हाउस है, सिंगुलर नाउन है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन बनना है तो हमने क्या करना है, हम पहले देख लेंगे कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, आर हाउस के साथ हैज आएगा, क्वेश्चन है तो हैज जो है वो सेंटेंस के शुरू में ले आए। अब आर हाउस को हम लेकर आएंगे और उसके बाद क्योंकि नॉट है तो नॉट इसी तरह आ जाएगा। वॉश्ड से पहले हमने बिन का इजाफा करना है, वॉश्ड उसी तरह आएगा क्योंकि मेन वर्ब जो है वो सेम है, पास्ट पार्टिसिपल है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो, परफेक्ट के सेंटेंसेस में ये सेम रहता है, तो इसलिए आपको इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो वॉश के बाद हम क्या करेंगे, बाय लगाएंगे और हमारे पास जो सब्जेक्टिव केस है वो वी है, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो वो अस हो जाएगा। और याद रखिए क्वेश्चन मार्क, आपको बार बार बता रहा हूं, हर लेक्चर में बता रहा हूं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपका टेंस सेम रहता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तब्दीलियां होती हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है, लेकिन याद रखिए टेंस चेंज नहीं होता, टेंस सेम रहता है। और नरेशन में होता है कि टेंस भी चेंज हो जाता है। और क्वेश्चन जो होगा वॉइस के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, नरेशन में आप क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करते हैं, लेकिन वॉइस में जो है आपका क्वेश्चन मार्क में ही रहता है। अब आ जाते हैं हमारा सेंटेंस नंबर 5, जिसमें हमने डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव लाए हैं। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में हमने वाई से सेंटेंस बनाया है, और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में याद रखिए जब भी आपके पास डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव आए डब्ल्यू एच को उसी तरह लिख लीजिए, बाकी सेंटेंस क्या बचा, हैव दे नॉट वॉच दिस ड्रामा। तो अब हमारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया है, तो आप वही कुछ करेंगे जो आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव में किया। आप क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट को ढूंढे, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका दिस ड्रामा है, आपका जो सब हेल्पिंग वर्ब है वो हैव है, तो इसका मतलब ये है कि आपने दिस ड्रामा के मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो दिस ड्रामा क्योंकि सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, हैज लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे, क्योंकि हैव जो था वो दे के मुताबिक था, पैसिव वॉइस के जुमले में अब हमारा दिस ड्रामा के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो वाई हैज हो गया, दिस ड्रामा हमने सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगता है, तो वाई हैज दिस ड्रामा नॉट लगा दें, और क्योंकि हैज हैव के साथ आपने बिन का इजाफा करना है तो क्या हो जाएगा, वाई हैज दिस ड्रामा नॉट बिन। मेन वर्ब लाएं, मेन वर्ब आपका पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म में आना चाहिए, तो वॉश्ड है वॉश ही रहेगा, बाय का इजाफा करें और डूअर कौन है यहाँ पे, दे, तो दे को हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्टिव केस में, दैट इज देम, और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। आखिरी सेंटेंस अगर हम इसमें देखें तो ये डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है, पहले जो पांचवा था वो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव था, अब आप देखें तो ये डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है, वही फार्मूला यूज करते हैं, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव को वैसे ही लिख दीजिए, बाकी क्या बचा, हैव यू taken the test, why have you taken the test, तो अब हम इसको क्या, where have you taken the test, तो इसको हमने अब क्या करना है, अब हमने देखना है कि हमारा object क्या है, the test आ गया, इसके मुताबिक हमारा helping verb has होना चाहिए, तो has लिए हैं, where has, अब object को subject की जगह लेके जाएं, the test हो जाएगा, और have has है तो been का इजाफा होगा, where has the test been, taken आपका मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी पास्ट पार्टिसिपल ही मेन वर्ब होता है, एक्टिव हो या पैसिव हो वर्ब की फॉर्म यहां पर सेम रहेगी। उसके बाद आप बाय का इजाफा करेंगे, यहां पर आपके पास यू है और यू उसी तरह आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। और याद रखिए जब आप इंट्रोगेशन कर रहे हैं तो वेयर, जैसे वेयर हैव यू टेकन द टेस्ट है, तो बाज बच्चे क्या करते हैं वेयर यू हैव टेकन द टेस्ट लिख देंगे, या वेयर हैज द टेस्ट बिन टेकन बाय यू की बजाय वेयर द टेस्ट हैज बिन टेकन बाय यू, तो ये सेंटेंस गलत है, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत होगा, इसलिए याद रखिए कि आपने हेल्पिंग वर्ब को का पहला हिस्सा शुरू में लाजमी लाना है, और जब डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव हो तो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव शुरू में और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाजमी आएगा। उम्मीद है आपको प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव पैसिव समझ आया होगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।